हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ अजयपाल, और अजयपाल से लगभग मैं पहुँच ही चुका हूँ। 1 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, और वहाँ पर हमें अजयपाल जी का मंदिर देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ हमें वहाँ पर काफ़ी सारे झरने भी देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो गाइस चलते देखते हैं अजयपाल जी का नज़ारा कि कैसा है। और वहाँ पर काफ़ी लोग पिकनिक भी मनाने के लिए आते हैं, तो देखते हैं कितनी भीड़ मिलती है। तो गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। गाइज, अगर आप भी अजयपाल टेम्पल आना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि अजयपाल टेम्पल अजमेर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये फॉय सागर के पास ही में है। अब बात करते हैं इस टेम्पल की। तो ये राजा अजयपाल, जो कि चौहान वंश के थे, इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी, और इस जगह को अजोगंध महादेव मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और गाइज, राजा अजयपाल का एक बहुत ही रोचक किस्सा है जो कि मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार बहुत से मुस्लिम डकैतों ने पशुपालकों पर उनका पशुधन लूटने के लिए अटैक कर दिया, और तब सभी चरवाहे और पशुपालक राजा अजयपाल के पास पहुंचे सुरक्षा की गुहार लेकर। और राजा अजयपाल ने देखा कि उन डकैतों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी, और अगर उनके साथ वे युद्ध करते तो वे उस युद्ध में नहीं बचते। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया, और यहीं पर अपना सिर अजयपाल में रख दिया, और घोड़े पर सवार होकर, बिना सिर के घोड़े पर सवार होकर, उन डकैतों को उन्होंने गुजरात में कच्छ तक खदेड़ा। और इसके बाद उनका धड़ कच्छ के अंजार में जा गिरा, जहां उनकी याद में आज भी मंदिर बना हुआ है। तो गाइस, ये है राजा अजयपाल का मंदिर, अंदर से मैं आपको दिखाता हूं। तो गाइस, ऐसा कहा जाता है कि राजा अजयपाल 3 रूप धारण करते थे। सुबह सुबह ये एक बालक का रूप धारण करते थे, जो कि बकरियाँ चराते थे, जिसकी फोटो यहाँ पर आप देख सकते हो। और बाकी के 2 रूप के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा मंदिर के पीछे का नज़ारा दिखा देता हूँ, जो कि काफ़ी शानदार है, काफ़ी खूबसूरत है। पीछे पहाड़ियाँ बनी हुई है, और नीचे आपको ये 2 कुंड नज़र आ रहे होंगे। और अचंभे की बात तो ये है कि इन दोनों कुंड में पानी अलग अलग, मतलब कि एक कुंड में पानी ठंडा होता है और एक कुंड में पानी गर्म होता है। और गाइस, आप देख सकते हो झरना यहाँ पर चट्टानों से पानी बहकर आ रहा है। इस वक्त तो अभी पानी कम है, फिर भी काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, और काफ़ी लोग कुंड में नहाने के लिए। तो फुल इंजॉय यहाँ पर आप कर सकते हो। और पानी यहाँ पर, ये जो आप चट्टान देख रहे हो ऊपर वाली, इस जगह तक इतना पानी यहाँ पर भरा होता है। इस वक्त तो यहाँ पर पानी कम है, फिर भी आप यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर सकते हो। तो गाइस, अब बात करते हैं राजा अजयपाल के दूसरे रूप की। तो राजा अजयपाल का दूसरा रूप था साधु सन्यासी का, जो कि ये दिन में धारण करते थे। दिन के समय में साधु सन्यासी का रूप धारण करके तपस्या में लीन हो जाते थे। और अब बात करते हैं राजा अजयपाल के तीसरे रूप की। तो तीसरा रूप ये करते थे शाम के समय पर, जिस टाइम पर ये अपना दरबार लगाते थे और वहाँ पर न्याय करते थे। तो गाइस, ये है श्री अजगंधेश्वर महादेव का मंदिर। इससे पहले अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो था राजा अजयपाल का मंदिर, और ये है श्री अजगंधेश्वर महादेव का मंदिर। तो चलिए देखते हैं। Thank you.
तो गाइस ये है तेल की कहानी जिसमें कि तेल निकाला जाता था। इसकी भी अपनी एक कहानी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जब कोई विधर्मी किसी हिंदू के पूजा पाठ में विघ्न डालता था तो राजा अजयपाल उसको इस तेल की कहानी में पिसवा देते थे। तो गाइस मैंने आपको दिखाया अजयपाल का पूरा नज़ारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार था। और इस मौसम में आप भी आ सकते हो यहाँ पर मज़े करने के लिए। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।